हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में जिसको कि DCS बोलते हैं। सब्जेक्ट कोड IE303। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम क्या है, जो इस डायग्राम में दिखाया गया है। जैसा कि एक कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर PLC या रिमोट टर्मिनल यूनिट, जो कि कंट्रोल के लिए काम में लिए जाते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। और PLC या रिमोट टर्मिनल यूनिट R2 जो है, एक प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह से काफ़ी बहुत सारी प्रोसेसेस जो है, इंडिविजुअल प्रोसेसेस है या इंडिविजुअल कंट्रोल लूप्स हैं, उनके लिए एक सेपरेट कंट्रोलर है, देखिए। और वो सारे कंट्रोलर एक सेंट्रल कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। तो DCS या डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम में बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर है। हर लूप के लिए एक डिसेंट्रलाइज्ड या एक इंडिविजुअल डेडिकेटेड कंट्रोलर है। हर प्रोसेस के लिए एक कंट्रोलर अपन मान सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम को और सारे कंट्रोलर्स जो है आपस में नेटवर्क के थ्रू किसी एक कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें इंडिविजुअल लूप्स जो है डिसेंट्रलाइज्ड है या डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको अपन DCS या डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम बोल सकते हैं। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम और DCS इज ए कंट्रोल सिस्टम फॉर ए प्रोसेस प्लांट इन विच ऑटोनोमस कंट्रोलर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सिस्टम, बट देर इज नो सेंट्रल प्रोसेसर और सुपरविजरी कंट्रोल। इन सारे प्रोसेस को देखने के लिए एक सुपरविजरी कंट्रोल नहीं होता इसमें, लेकिन सारे प्लांट को ऑटोनोमस कंट्रोलर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इन द पावर जनरेशन एंड पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस इंडस्ट्रीज, इट हैज़ कम टू रेफर टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम एबल टू एग्जीक्यूट कॉम्प्लेक्स एनालॉग प्रोसेसेस कंट्रोल एल्गोरिथम एट हाई स्पीड एज वेल एज प्रोवाइड रूटीन मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग एंड डेटा लॉगिंग फंक्शंस। तो देखिए, पावर जनरेशन और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम जो कि एनालॉग प्रोसेस को हाई स्पीड से कंट्रोल करता है और उनकी मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग एंड डेटा लॉगिंग भी साथ ही में करता है, ऐसा कंट्रोल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम में हर एक प्रोसेस के लिए एक इंडिविजुअल कंट्रोलर है। कंट्रोलर यहाँ पे PLC हो सकता है, देखिए, हर एक प्रोसेस के लिए इंडिविजुअल कंट्रोलर है और ये सारे कंट्रोलर आपस में एक लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। और एक ऑपरेटर कंसोल है जो कि हर प्रोसेस पे नज़र रखता है। एक होस्ट कंप्यूटर है जिसमें कि डेटा को लॉगिंग किया जा सकता है, इंडिविजुअल प्रोसेस की डेटा को जो है लॉगिंग या रिकॉर्ड किया जा सकता है या ग्राफिकल प्लॉट बनाए जा सकते हैं। लॉगिंग का मतलब यही होता है, एनालिसिस कर सकते हैं, उन डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उनके ट्रेंड को पता देख सकता है ऑपरेटर। तो इस तरह का कंट्रोल सिस्टम जिसमें एक प्रोसेस के लिए इंडिविजुअल कंट्रोलर डेडिकेटेड है, ऐसा कंट्रोल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल डायरेक्टली एड्रेस्ड द इश्यू ऑफ प्लांट सिक्योरिटी बाय हैविंग मल्टीपल कंट्रोल कंप्यूटर्स, ईच वन रेस्पॉन्सिबल फॉर ओनली ए हैंडफुल ऑफ PID लूप्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द फैसिलिटी एंड नेटवर्क टूगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर एंड विद ऑपरेटर डिस्प्ले कंसोल। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम में देखिए सिक्योरिटी इश्यू को एड्रेस किया गया है, जिसमें कि ईच वन मीन्स हर एक कंट्रोलर एक इंडिविजुअल लूप के लिए रेस्पॉन्सिबल है और सारे कंट्रोलर आपस में नेटवर्कड है, जिससे कि वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और ऑपरेटर कंसोल में डिस्प्ले किया जा सकता है। देखिए, इस डायग्राम में उसी बेसिक डायग्राम को और थोड़ा सा एडवांस करके दिखाया गया है, जिसमें इंडिविजुअल कंट्रोल लूप्स हैं, उनके लिए इंडिविजुअल कंट्रोलर्स हैं। देखिए, इंडिविजुअल प्रोसेसेस के लिए इंडिविजुअल कंट्रोलर्स हैं यहाँ पे,
ये इंडिविजुअल कंट्रोलर्स हैं इंडिविजुअल प्रोसेस के लिए, उसी तरह से एक ये दूसरा प्लांट है जिसमें इंडिविजुअल प्रोसेसेस के लिए इंडिविजुअल कंट्रोलर्स हैं। ये सारे कंट्रोलर्स आपस में नेटवर्कड है, एक नेटवर्क बस से जुड़े हुए हैं, जिससे कि ये प्रोसेस के पैरामीटर्स को लॉगिंग के लिए ऑपरेटर कंसोल पे या ऑपरेटर वर्क स्टेशन पे भेज सकें। इंडिविजुअल ऑपरेटर वर्क स्टेशन पे इन कंट्रोल लूप की जो डेटा है को डिस्प्ले किया जाता है, जिससे कि पता चल सके कि प्रोसेस किस तरह से कंट्रोल हो रहा है या किस तरह से कंट्रोल हो रहा है या किसी प्रोसेस में फॉल्ट तो नहीं आ गई है। तो ऑपरेटर के द्वारा इन कंट्रोल लूप पे नज़र रखी जा सकती है। उसी तरह से ये देखिए थोड़ा और एनहेंस करके डायग्राम बताया गया है। इसमें इंडिविजुअल प्रोसेस कंट्रोल लूप्स हैं जिसमें इंडिविजुअल कंट्रोलर लगे हुए हैं, ये सारे इंडिविजुअल प्रोसेसेस हैं और ये सारी प्रोसेसेस आपस में नेटवर्कड हैं और ये जो इंडिविजुअल प्रोसेस के जो डेटा है वो डिफरेंट जो सर्वर्स हैं, ये सर्वर्स हैं तो इन सर्वर्स को जाते हैं। जैसे ये एक सर्वर है जो कि डेटा जो है मेन कंप्यूटर्स को फीड करता है, उसी तरह से आर्चिविंग मीन्स डेटा को लॉग करता है। लॉग का मतलब है उनके डेटा को ट्रेंड्स को बताता है कि किस तरह से जो है प्रोसेस पैरामीटर्स या प्रोसेस कंट्रोल्ड वेरिएबल जो है चेंज हो रहे हैं। उसी तरह से कुछ इंजीनियरिंग स्टेशंस हैं जिसमें प्रोसेसेस की डिजाइन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है इसमें इन सारी प्रोसेस की डिजाइन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है इंजीनियरिंग सर्वर या इंजीनियरिंग स्टेशन में रहती है। और ये ऑपरेटर कंसोल्ड है जिसमें हर प्रोसेस पे नज़र रखी जाती है, जो कि ऑपरेटर के द्वारा हर प्रोसेस पे सारे पैरामीटर्स पे नज़र रखी जाती है कि ये प्रोसेस पैरामीटर या प्रोसेस जो है सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है। उन प्रोसेस को मॉनिटर किया जाता है और उनको कंट्रोल के लिए उनके सेट पॉइंट्स को यहाँ से भेजा जा सकता है इंडिविजुअल कंट्रोलर के लिए, या आप सेट पॉइंट को चेंज भी कर सकते हैं ऑपरेटर के कंसोल से, डिफरेंट प्रोसेसेस के सेट पॉइंट को भी चेंज किया जा सकता है। सो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ रिडंडेंसी टू इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम वेयर डिजिटल सिग्नल एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग हार्डवेयर यूनिट्स आर इक्विप्ड विद स्पेयर यूनिट्स डिजाइन टू ऑटोमेटिकली टेक ओवर ऑल क्रिटिकल फंक्शंस इन द इवेंट ऑफ प्राइमरी फेलियर। कोई भी एक लूप फेल होता है तो कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट्स या हार्डवेयर जो है इसमें लगे होते हैं, तो एक लूप के फेल होने से ये स्पेयर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर यूनिट्स जो है उस लूप की कंट्रोल एक्टिविटी को टेक ओवर कर लेते हैं। तो इस तरह की प्रोसेस को रिडंडेंसी बोलते हैं इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में, ताकि फेल होने के कंडीशन में उसका जो है केयर किया जा सके। सो रिडंडेंसी मीन्स सिस्टम डिजाइन दैट डुप्लीकेट्स कंपोनेंट्स टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव्स इन द केस वन कंपोनेंट फेल। कोई भी एक लूप फेल होता है तो रिडंडेंट सिस्टम डिजाइन के थ्रू जो है स्पेयर यूनिट्स जो है उसकी एक्शन को टेक ओवर कर लेता है और उस प्रोसेस को फेल नहीं होने देता है। उसी तरह से देखिए पीएलसी और डीसीएस में क्या डिफरेंस है। देखिए पीएलसी में एक ही प्रोसेस को आप कंट्रोल एट ए टाइम कर सकते हैं, तो एक प्रोसेस को पीएलसी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम में बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, इंडिविजुअल प्रोसेसेस हैं और हर प्रोसेस के लिए एक इंडिविजुअल कंट्रोलर है और वो कंट्रोलर आपस में नेटवर्कड है और ऑपरेटर कंसोल से जुड़े हुए हैं, जिससे कि इंडिविजुअल प्रोसेस के सेट पॉइंट्स को आप सेट कर सकते हैं या इंडिविजुअल प्रोसेस के पैरामीटर को आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ऑपरेटर हर प्रोसेस पे मॉनिटर कर सकता है और कंट्रोल पे नज़र रख सकता है। तो इस तरह का ये डिफरेंस है पीएलसी और डीसीएस में। उसी तरह से देखिए डीसीएस यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम और स्केडा बेसिकली सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम कहलाता है। तो डीसीएस और स्केडा में क्या डिफरेंस है, देखिए स्केडा बेसिकली लार्ज सिस्टम है। स्केडा में जो है बहुत सारी प्रोसेसेस या बहुत सारे प्लांट्स को इंडिविजुअली कंट्रोल किया जा सकता है
और वो सारे प्रोसेसेस जो है आपस में कंट्रोलर्स जुड़े होते हैं, और एक मेन सुपरविजरी कंट्रोलर से नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क या किसी भी प्रोटोकॉल से नेटवर्क से जुड़े रहते हैं, जिससे कि हर प्रोसेस पे एक सुपरविजरी कंट्रोलर जो है नज़र रख सके। जबकि DCS में देखिए वायर्ड नेटवर्क है, इंडिविजुअल प्रोसेसेस का एक वायर्ड नेटवर्क है, और ये लिमिटेड एरिया के लिए DCS यूज़ किया जाता है, एक छोटे प्लांट के लिए DCS यूज किया जाता है, जबकि SCADA जो है बहुत बड़े सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। सो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम? DCS एलोकेट फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी बाय अलाउइंग सेंट्रल कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एंड प्रोसेसेस आर इजी। DCS आर स्केलेबल, स्केलेबल का मतलब यह है कि और कोई नए कंट्रोल लूप को आप, कोई नई प्रोसेस को इसी सिस्टम में आप जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए सिस्टम को एक्सपांड करना है और एक नई प्रोसेस आ गई है, एक नई मशीन आ गई है, उसको भी साथ में कंट्रोल करना है, तो DCS के थ्रू इजीली आप उस प्रोसेस को उसी DCS सिस्टम में जोड़ सकते हैं। केवल नेटवर्क ही तो करना है कंट्रोलर को। सो एंड आल्सो इट इज़ पॉसिबल टू कंट्रोल थ्रू डायनामिक ग्राफिक, एलिमिनेटिंग ह्यूमन एरर बाई लॉगिंग ऑफ द डेटा, डेटा की लॉगिंग मीन्स डेटा को रिकॉर्ड करना। डिसएडवांटेज क्या है? DCS रिक्वायर्ड स्किल्ड ऑपरेटर बिकॉज ऑल द इंफॉर्मेशन इज हिडन बिहाइंड द CRT। बेसिकली DCS के लिए स्किल्ड ह्यूमन ऑपरेटर चाहिए, इसलिए ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम का। बाकी ऑपरेशन और कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से DCS ज़्यादा सुपीरियर है। तो ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।